गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग इसी टाइम पे उठती हूँ। और आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था बिकॉज मैंने इस पूरे वीक में लीव लिया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और साथ में पहले मैं आपको देती हूँ अपना होम टूर। तो जैसा कि वीडियोज़ वगैरह देख के आपको पता चल ही गया है कि मैंने अपना ड्रीम हाउस बाय कर लिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होम टूर से ही स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो एंटर करते ही यहाँ पे आ जाता है हमारा लिविंग रूम एरिया, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। और ये हमारा ड्रीम हाउस था, जैसा हमने सोचा था ये घर बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। और यहाँ सीधे आते ही सबसे पहले है ये डाइनिंग एरिया और ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट। ये मुझे हमेशा से ओपन किचन बहुत ही पसंद था। तो और इधर राइट साइड में जो टू रूम्स हैं, तो ये सामने जो दिख रहा है ये मास्टर बेडरूम है और इसके बगल में गेस्ट रूम या किड्स रूम भी कह सकते हैं। और ये रहा वॉशरूम, और इसका वॉशरूम बहुत ही पसंद आया। जो भी मेरे घर मेरे फ्रेंड्स आए उन सबको ये घर काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली ये बंगलो है। और ये रहा मास्टर बेडरूम, और ये गेस्ट रूम या किड्स रूम कुछ भी हमारे तो अभी किड्स नहीं है, तो ये फिलहाल गेस्ट रूम की तरह ही यूज हो रहा है क्योंकि बेसमेंट के दोनों रूम को हमने ऑफिस बना के रखा हुआ है। और ये रहा सनरूम, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस घर का। तो अभी बस स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएंगे विंटर्स में, तो ये सारी चीज़ें हम मूव करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने सोचा चलो एक क्विक सा वीडियो बना के रख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, एक्चुअली हमें स्विमिंग पूल के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं था, तो उनसे बस थोड़ी बहुत वो एडवाइस दे रहे थे कि क्या हमें करना है विंटर आने के पहले। तो यहाँ की वीडियोस तो आपको समर में बहुत सारी मिलेंगी क्योंकि जब हम यहाँ इस घर में मूव हुए तो ऑलरेडी विंटर स्टार्ट हो चुका था। और ये रहा हमारा हॉट बाथटब, तो ये सब चीज़ें ये तो यहीं पे रहेंगी, बट यहाँ पे जो भी फर्नीचर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ से मूव होने वाले हैं और वो शायद इसी वीक में हम मूव कर देंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो अच्छी सी होम टूर की कैप्चर कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी पहले ही अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था इंस्टा पे कि आपने नया घर बाय कर लिया। तो हमारा ये सेकंड होम है, और जिन लोग बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा एक और घर यहीं पर है, तो हमने ये घर चैठम में ही लिया है और बहुत ही पास में हमारे दोनों घर हैं। और ये रहा बेसमेंट, तो बेसमेंट में भी एक लिविंग रूम एरिया है जहाँ हम मोस्टली गेम्स वगैरह ही खेलते हैं। और ये रहा लॉन्ड्री रूम, और लॉन्ड्री रूम के जस्ट पीछे ही मैंने स्टोरेज रूम बना के रखा है, तो आज मुझे वो सब जो है अच्छे से रखना है। तो आज जो है मैं इस घर में पहली बार किचन में कुछ बना रही हूँ। एक्चुअली मीठा बनाना होता है, तो वो मैंने काफ़ी पहले ही बना लिया था क्लोजिंग के टाइम पे ही, और हम ऑलमोस्ट क्लोजिंग के 1 मंथ के बाद यहाँ मूव हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मीठा ऐसे खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर कट कर लिया है, और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ हॉट वाटर, तो जिससे गर्म पानी डालने से पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस इसे पैक करके थोड़ी देर रख दूँगी, जब तक मेरी बाकी चॉपिंग होंगी तब तक पनीर सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बिग साइज़ के अनियन चॉप किए हैं, 2 बिग साइज़ के टमेटोज़, और ये थोड़े से गार्लिक,
और ये सब जाने वाला है प्रेशर कुकर में। तो मैं ना मटर पनीर मोस्टली इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ईजी लगता है मुझे। तो मैंने इंस्टेंट पॉट में प्याज, टमाटर और लहसुन और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसे प्रेशर कुक करने को रख दिया है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लेते बनने में। और साथ ही साथ मैं पूड़ियों के लिए अजवाइन का आटा लगा रही हूँ। तो सॉल्ट और अजवाइन डाल के और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के मोयम दिया है और बस ये मेरा डो भी बन के रेडी हो गया। जब तक डो बन के रेडी हो रहा था तब तक यहाँ पे टमाटो और अनियन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बस यहाँ पे देना है तड़का। तो जहाँ मैंने ऐड किया है जीरा और बस उस प्यूरे को भी मैं इसी में ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मैं जो है बेसिक मसाले हमारे होते हैं जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब यहाँ पर ऐड करूँगी और इसे जो है मसालों को साथ ही साथ पकाऊँगी। और बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है मटर और इसे 2 या 3 मिनट्स कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर लिया हुआ है, आपको तो पता है कि हम अब्रॉड वाले सारे फ्रोज़न वेजीज ही खाते हैं। और यहाँ देखो पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। और ये पानी को ना मैं यूज़ कर लेती हूँ ग्रेवी में। तो बस पनीर को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, साथ ही साथ मेरी करी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और मैंने बोला था ना मैं ये पनीर के पानी को करी में यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे अब कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी आप किसी भी वेजी या करी में ऐड करो ना तो टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है उससे। और ये जो है ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आप कुछ भी बनाते हो तो कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करना। और यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला। ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन के डन हो चुकी है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी धनिया और थोड़े से पनीर के साथ। सो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पूड़ियाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा किचन बहुत ही मेसी दिख रहा है। एक्चुअली अभी सामान जो है पूरे अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं तो काफ़ी सारे बॉक्सेस अभी अनबॉक्स करना बाकी है। तो बस कुकिंग करने के बाद मैं वही काम करूंगी। एक्चुअली अभी हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं यहाँ पर तो मैं सबके लिए जल्दी जल्दी यहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ। और कैमरा मैंने हाथ में ही लिया हुआ है, फ़ोन मैंने हाथ में ही लिया हुआ है। तो वीडियो अगर थोड़ी इधर उधर हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ऑलमोस्ट मेरा खाना बनके रेडी हो गया है, साथ में मैंने जीरा राइस भी बनाया है। सो अभी आफ्टरनून का ही टाइम है और लंच के बाद हम आ गए थे स्विमिंग करने। और इसके बाद फिर हमने की थोड़ी सी अनबॉक्सिंग। तो इसमें काफ़ी सारा किचन का स्टोरेज रखा है जिसे मुझे स्टोर रूम में आज ही सेटल करना है। तो बस अब मैं वो करूँगी और साथ में आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिख ही रहे होंगे अभी। और ये मेरी घंटों की मेहनत और फाइनली स्टोर रूम जो है सेट हो गया। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि मैं वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं लास्ट जनवरी में मैंने न्यू जॉब ज्वाइन किया था तो मैं काफ़ी बिजी थी उससे लेके। बट अभी मैं फिर से कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बस आप सब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।